देखिए कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उसके बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज एमपी में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन होना है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी बंद रहेगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी। भोपाल के जीएमसी हमीदिया अस्पताल में भी ओपीडी बंद रहेगी। मरीजों को इलाज में परेशानी भी हो सकती है। तो देखिए कोलकाता में जिस तरह डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और इस घटना को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पर कार्रवाई की मांग हो रही है, इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी आज डॉक्टर्स प्रदर्शन करने वाले हैं और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी और इससे मरीजों को काफी परेशानी भी हो सकती है। वही देखिए कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर्स का बड़ा आंदोलन है। आज विरोध प्रदर्शन से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ेगा। अस्पताल परिसरों में केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और देखिए देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जहां एक ओर भोपाल में ओपीडी सेवा 12 बजे से 1 बजे तक ठप रहेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इसको लेकर डॉक्टर्स आज बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। विरोध प्रदर्शन से स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा। अस्पताल परिसर में केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग है यहां पर डॉक्टर्स की और इसी को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी रायपुर से और विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए। सीधा रुख करूंगी अनमोल का। अनमोल, किस तरह से ये आंदोलन होने वाला है वहां पर आज, डॉक्टर्स की क्या कुछ तैयारी है? अब बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए जिस तरीके से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुई और फिर उसकी हत्या कर दी गई, इसे ये मामला देखिए अब पूरे देश में गरमा गया और ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं क्योंकि लगातार देखिए विरोध हो रहा है, लगातार एक न्यायिक जाँच करने की मांग की जा रही है। हालांकि जांच टीम का गठन कर दिया गया है, फिर भी डॉक्टर्स में काफ़ी आक्रोश है कि आखिरकार जिस तरीके से बिना सुरक्षा के एक डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी की गई, फिर ऐसा ना हो इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी बनाने की मांग की जा रही है। तो आज देखिए रायपुर में ये हड़ताल जारी रहने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा अस्पताल है अम्बेडकर अस्पताल और एम्स, यहाँ भी जो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएँ जो है वो बाधित रहेगी जिससे मरीजों को भी काफ़ी परेशानी देखने को मिलेगा। पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरीके से जो है रायपुर में भी अलग अलग अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं जिसके बाद जो है मरीजों को काफ़ी दिक्कत हुआ है, इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है। तो आज भी कुछ सिलसिला यूं ही बना रहेगा प्रतिज्ञा, आज भी जो है डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही जो है आज एक कैंडल मार्च भी निकाला जा सकता है डॉक्टरों के द्वारा, खबर ये भी है। तो इस तरीके से तमाम देखिए जो कड़ियां हैं वो जुड़ते जा रही है अब इस विरोध प्रदर्शन में और लगातार प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी देखिए अभी जूनियर डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमें आश्वासन सही से नहीं दिया जाता है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं बनाया जाता है डॉक्टरों को लेकर के, तो हमारा ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल अनमोल, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स। विवेक, मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है आज, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक ओपीडी भी बंद रहेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा इससे? देखिए मध्य प्रदेश में राजधानी में खासतौर पर एम्स में सबसे पहले विरोध प्रदर्शन हुआ। जूडा ने कैंडल मार्च निकालते हुए इस पूरे घटना को लेकर विरोध जताया। जूडा अभी भी हड़ताल पर है एम्स में, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजों में जो जूडा है यानी कि जूनियर डॉक्टर है, उन्होंने हड़ताल करने का फैसला किया है और हड़ताल सांकेतिक रहेगी। खासतौर पर 12 से 1 बजे के बीच में तमाम सारे जूनियर डॉक्टर हैं मध्य प्रदेश के, वो फिलहाल ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत उन मरीजों को है जो रोजाना इलाज लिए आते हैं और जनरल ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। हालांकि 12 से 1 बजे 1 घंटे के बीच में सीनियर डॉक्टर मौजूद रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे, सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था बनाई है। लेकिन करीब 10,000 से अधिक मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हैं जो फिलहाल 1 घंटे के लिए हड़ताल पर जाएंगे। इससे इस बीच में कोई भी जूनियर डॉक्टर ना तो सर्जरी में हिस्सा लेगा ना ही किसी इलाज की व्यवस्था में हिस्सा लेगा। हालांकि इमरजेंसी अगर स्थिति बनती है तो इमरजेंसी के समय जूनियर डॉक्टर जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन ये जो कोलकाता में घटना हुई है ये पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है और इसी
इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बनाए जाने की मांग की जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, लेकिन ये कानून कब तक बनता है और ये जूनियर डॉक्टरों को कितने लंबे समय तक इस तरीके से हड़ताल करना, डॉक्टर हमारे लिए भगवान का दूसरा रूप होते हैं और अगर वही सुरक्षित नहीं होंगे तो सवाल तो खड़े होते ही है। और सरकार से भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करेगी और डॉक्टर्स की जो मांग है उसको पूरी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका।